हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटना सार की हम बुक लाए हैं, जो कि आपकी हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की बुक है 2022 की। अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 की कहानी इसमें लिखी हुई है। फिर हम बात करेंगे गाइस कि वीडियो हमारी छोटी सी रहने वाली है। अभी हम इसकी एक पार्ट कर चुके हैं, अभी हम जो है सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी। तो उसमें भी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय का, आज हम करेंगे पार्ट टू। तो गाइस, आप ना मुझे जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ना, ये आपकी है विषय सूची। देखिए, अभी जो हमारा फिलहाल चल रहा है, ये पहला चैप्टर अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी। तो थोड़ा सा गाइज, बाकी के भी आप टॉपिक्स देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइज, जहाँ तक हम कल कर चुके थे ना, उसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और, जो अब हम जो है पेज नंबर कौन कौन से करेंगे, 1 एंड 2 तो कर चुके थे, अब 4th एंड 5th करेंगे, ओ सॉरी 3rd एंड 4th करेंगे हम, ठीक है। जो जिसकी मैंने इमेज ऑलरेडी पीछे अभी जो हमने खोला था पेज, एक मिनट। तो देखिए, अभी जो हम ना चैप्टर नंबर 3, ये जो आपका है सॉरी पेज नंबर 3 एंड 4 है ना, इसमें जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, हम इसकी बात करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। इसमें लिखा है भारतीय मूल की वह ब्रिटिश नागरिक, बताइए। देखिए, भारतीय मूल की है लेकिन ब्रिटिश नागरिक है, जिनको क्या हुआ है कि 6 सितंबर को क्या हुआ है कि जो ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन में जो ब्रिटिश सरकार बनी है ना, तो जो ब्रिटिश सरकार बनी है उसमें गृहमंत्री, नवगठित ब्रिटिश सरकार में गृहमंत्री चुना गया। तो देखिए, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। क्या नाम है, सुएला ब्रेवरमैन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि त्रिपुरा है, त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का क्या है, पहला जैव गांव यानी कि बायो विलेज घोषित किया गया। तो गांव का नाम क्या है आपका, दासपारा गांव। क्या है, दासपारा गांव, कहाँ पे है, त्रिपुरा में। क्या है ये, जैव विलेज घोषित किया। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य ने रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड नामक बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसने कहा किस राज्य ने किया है, क्या किया है, रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, ये क्या है, पोर्टल है। तो किसने किया है, मेघालय ने किया है। नेक्स्ट लिखा है कि हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में है। अब इसने क्या किया कि जो खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन बनाई। अब ये इस लालटेन का देखिए, क्या खारे पानी से जलने वाली भारत की पहली लालटेन है, अब इसका नाम क्या है, रोशनी। नेक्स्ट लिखा है कि हाल ही में राजस्थान और गुजरात में किस त्वचा रोग वायरल संक्रमण, क्या है, त्वचा रोग वायरल संक्रमण से हजारों मवेशियों की मौत हो गई। तो गाइस, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आपका लंपी त्वचा रोग। क्या है, लंपी त्वचा रोग। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा ऐतिहासिक राजपथ का नाम परिवर्तित कर दिया, ठीक है, और क्या रख दिया, कर्तव्य पत्र रख दिया। अब ये कहाँ पे है, ये है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित क्या नाम है, पीएम श्री, ठीक है, इसका संबंध किससे, तो स्कूली शिक्षा से है। अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है, ठीक है, फिर से बात करते हैं। तो इसमें बोला इन्होंने कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने क्या करा, नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। तो किस राज्य में दी है, कर्नाटका में, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं, इसमें लिखा कर्नाटक जो है आपका कहाँ पे, दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा जो है राज्य है जहाँ पे नई तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार की गई है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष, क्या नाम है इनका, मनोज पांडे, ठीक है। तो मनोज पांडे को किस देश द्वारा सेना जनरल की मादक रैंक से सम्मानित किया गया। तो देखिए किस देश के द्वारा, तो नेपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला, मतलब क्या, इंडिया का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की। तो किस कंपनी ने, भारतीय कंपनी ने, तो वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि क्या होता है, यहाँ लिखा है जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया। तो देखिए कौन से सैन्य बल के नए ध्वज का, तो भारतीय नौसेना का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहीं पर लिखा है, इसमें लिखा है किस देश को क्वाड एसओएम सीनियर ऑफिसर मीटिंग बैठक की मेजबानी सौंपी गई। तो किस देश को सौंपी गई है, भारत को। नेक्स्ट लिखा है कि साइबर सुरक्षा अभियान है जिसका नाम है सिनर्जी को हाल ही में क्या है, किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया। तो किसके द्वारा, CERT इनके द्वारा, ठीक है, किसको, यह है साइबर सुरक्षा अभियान है, क्या नाम है इसका, सिनर्जी को। अब लिखा है कि हाल ही में क्या हुआ कि किस भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, मतलब किसे, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, तो इनका नाम है हर्षवंती बिस्ट। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है कि लिखा है कि हाल ही में क्या हुआ, जारी हुआ है क्या, राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा हुई, ठीक है, 2021 की बात है। तो इसने कहा भैया वो 2021 में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे विधानसभा की सबसे अधिक बैठक हुई, तो आंसर है हमारा केरल। तो लिखा है कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है डिफेंस एक्सपो 2022, ठीक है, तो 18 से 28 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो कहाँ हुआ है, गांधीनगर गुजरात में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित हुआ है, क्या,
शहरों में वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य रिपोर्ट, ठीक है। तो ये बताया कि भैया दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, तो भैया दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। तो 2 सितंबर 2022 को क्या हुआ, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कहा है कि कौन सा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत हुई, तो भैया इसका नाम है स्पार्क। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो लिखा है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। नेक्स्ट लिखा है कि भैया सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया, तो भैया इसका नाम QHPV क्वेड्री वैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में 2 नए जिलों की बात करी गई है, आया मतलब गठन हुआ है या घोषणा हुई है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल द्वारा घोषणा की गई है, कौन से 2 जिले हैं, एक का नाम है आपका शक्ति मनेन्द्रगढ़, दूसरा आपका है चिरमिरी भरतपुर। क्या लिखा है, चिरमिरी भरतपुर। तो पहुंच जाते हैं गुजरात, गुजरात में पहुंच जाते हैं अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या हुआ है कि एक अटल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, राइट, किस नदी पर हुआ है, साबरमती नदी पर हुआ है। चलिए, तो गाइस ये जो ये क्या है, इसका जो आकर्षक डिज़ाइन है और इस पे क्या है, LED लाइट से युक्त है ये ब्रिज। अच्छा, 300 मीटर लंबा है और 14 मीटर ये क्या है, चौड़ा है, राइट। और पुल के निर्माण में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों पहुंच जाते हैं 15 अगस्त में, तो इसने कहा 15 अगस्त में क्या है, एक अभियान आया क्या, हर घर तिरंगा अभियान। अब इसमें क्या हुआ, इसने कहा कि ऐसा कौन सा संस्थान है ना जिसने पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर क्या है भारतीय ध्वज फहराया, ठीक है, आसमान में भारतीय ध्वज फहराया। तो इस किसने, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा ये करा गया, 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय ध्वज फहराया गया स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि MRI मशीन होती है, ठीक है, तो इसमें प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली क्या सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया। तो देखिए आंसर है हमारा IUAL, मतलब इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन क्या है, सेंटर, एक्सेलरेशन सेंटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि हम बोलते हैं NCR, ठीक है। तो NCR की तर्ज पे पहली बार कौन सा ऐसा राज्य है जिसने राज्य राजधानी क्षेत्र की गठन की घोषणा की, मतलब जैसे NCR हो गया वैसे ही हो गया SCR, राइट। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने NCR के तर्ज पर ये किया है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट दिखा रहा है कि एक है ना वन नेशन वन एड्रेस, राइट, मतलब एक नेशन एक एड्रेस, तो के तहत सभी स्थानों के जो पते हैं, मतलब हर जगह का जो पता है आपको कैसे मिलेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में मिलेगा, कैसे, डिजिटल प्लेटफॉर्म में मिलेगा। तो इसने कहा कि देश, हमारे देश में पहला और दुनिया में दूसरा ऐसा कौन सा शहर बना है जिसने जितने भी पते हैं सब डिजिटलाइज कर दिए, ठीक है। तो आंसर है हमारा इंदौर, मध्य प्रदेश। अच्छा, अब इसने कहा कि इंदौर से पहले कौन सा था, तो भैया अमेरिका में कैलिफोर्निया इकलौता ऐसा शहर है, ठीक है, जहाँ पे क्या है डिजिटल पते का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे क्या होता है ना, ड्रोन के माध्यम से कि सामान की डिलीवरी की जाती है। तो नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया कि केरल के कोची में पहुंचाइए, तो केरल के कोची में देश के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को देश को समर्पित किया। ये स्वदेशी है विमान वाहक पोत, क्या नाम है इसका, INS विक्रांत। चलिए अगस्त 2022 में क्या होता है, NCRB की नवीनतम रिपोर्ट आती है। तो इसने कहा कि भैया वो कौन सा ऐसा राज्य है ना जिसमें सबसे अधिक राजद्रोह के मामले सामने आए या दर्ज हुए हैं, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में क्या हुआ, सितंबर 2022 में एक क्या आता है आपकी, एक छाता नाम से क्या आता है, वर्षा जल संचयन योजना शुरू की गई। तो किस राज्य ने ये करी है, ओडिशा। चलिए छाता की फुल फॉर्म देखिए क्या लिखा है, तो लिखा है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वेफियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है, तो आंसर है हमारा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यानी कि रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की, तो कहां, लद्दाख में, हानले में, लद्दाख में कहां, हानले, लद्दाख के हानले में। तो दोस्तों यहां लिखा है भारतीय मध्य रेलवे है, इसने क्या करा, वो कौन सी जगह है जहां पर हवा में जो जलवाष्प होती है ना, तो उससे पीने योग्य पानी, मतलब जलवाष्प को क्या किया, पीने के पानी में बदलने के लिए क्या करा, एक मशीन बनाई है, ठीक है, हवा में जलवाष्प है उसको पीने के पानी में बदलने के लिए एक मशीन बनाई है। तो उस मशीन का नाम क्या है, मेघदूत, ठीक है, नाम क्या है, मेघदूत नाम है। और ये कहाँ पे हुई है, ये सारी ये कहानी कहाँ की है, ये है आपकी मुंबई की। नेक्स्ट है, हाल ही में 50वां अखिल सुमंग लीला महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कहाँ आयोजित किया गया, मणिपुर में। नेक्स्ट है आपका कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की बात की गई है, तो ये कहा है कि किस राज्य सरकार ने, ठीक है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशन के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है, सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया है, तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश।
तो नेक्स्ट यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कोलकाता में कौन सी नदी है, हुगली नदी, ठीक है। तो हुगली नदी पर किस नाम से दूसरा, सेकेंड, ठीक है, दूसरा P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया। भैया उसका नाम बताना है, दूसरा उसका नाम है आपका दूनागिरी नाम से, ठीक है। चलिए अब क्या है, हम पहुंच जाते हैं कनाडा। तो कनाडा में क्या हुआ कि एक मरखम शहर है, ठीक है, मरखम शहर पे एक सड़क है, तो इस सड़क का नाम किस प्रसिद्ध संगीतकार के नाम पे रखा गया, तो वो है आपके A.R. रहमान। अब क्या हुआ कि हाल ही में आप पहुंच जाइए NCR यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। अब यहाँ पे दो जगह है, एक हो गया आपका राजपथ, दूसरा हो गया सेंटर विस्टा लॉन। अब भैया इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ रख दिया गया, ठीक है, कर्तव्य पथ। चलिए अब पहुंच जाते हैं, यहाँ पे लिखा है मित्र इलीट वर्ल्ड 2022 कहाँ पे आयोजन हो रहा है, मिस्र में हो रहा है। अच्छा इसका जो खिताब है किस भारतीय सुंदरी ने जीता, तो इनका नाम है देखिए उत्तर प्रदेश की है दीप सुप्रियम। तो गाइस नेक्स्ट लिखा है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं यानी कि S. जयशंकर, इन्होंने किस नए देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया, तो वो देश है आपका पराग्वे। पराग्वे में कहाँ की बात ये कर रहे हैं, पराग्वे में असुनसियन में इन्होंने क्या किया, भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अभी पराग्वे कहाँ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको मिल जाएगा, ब्राजील के थोड़ी सी नीचे। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि भैया देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अगस्त 2022 में क्या किया, परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च करी है, तो हमारा आंसर है उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट है इसकी महाराष्ट्र में क्या हुआ है, पहला दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है नागपुर में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या किया है इंडिया ने, किस देश के साथ दो रेलवे परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो ये कौन सा देश है गाइस, बांग्लादेश। अब वो दो रेलवे मतलब दो स्टेशन के बीच की बात हो रही है, तो पहला इसने लिखा है कि पहली परियोजना खुलना से दर्शन तक के बीच की है, और यहाँ पे क्या है आपकी नई ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण किया गया है। ये है आपका खुलना, ये है आपका दर्शन, इसके बीच में नई ब्रॉडगेज लाइन। अब दूसरे की बात कर लेते हैं, तो गाइस दूसरे इसने ये लिखा कि पार्वतीपुर और दूसरा लिखा है कोनिया के बीच, ठीक है, 1 मीटर गेज जो लाइन थी उसको क्या कर दिया, ड्यूल गेज लाइन में बदल दिया, ठीक है, पार्वतीपुर और कोनिया के बीच में। तो नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वे GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी, तो किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश MP में। नेक्स्ट लिखा है कि हाल ही में पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित परीक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाला देश की पहली जो एयरलाइन है ना वो कौन सी बनी, तो आंसर है आपका एयर एशिया, ठीक है गाइस। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हो गई बात खत्म, यानी कि जो हमने पेज नंबर 3 और 4 की बात करी थी हमने सारे के सारे इसमें पॉइंट्स हमने करवा दिए। तो दोस्तों अगर आपको ना वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जिसे ये बुक पढ़नी हो, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, चलिए मिलते हैं आपसे इसके आगे की वीडियो के साथ, ठीक है, मतलब पेज नंबर 5th और 6th करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।